वो योगी की तरह दिखता है, योगी की तरह एक्शन लेता है। पहले बुलडोजर भेजता है, फिर एक आदेश पर पलट जाती है गाड़ी। जनता बुलाती है योगी का दूसरा अवतार, हिंदुओं का सबसे बड़ा रक्षक, ओवैसी का सबसे बड़ा दुश्मन, जिसका नाम सुनकर छूटने लगते हैं मौलानाओं के पसीने। खुद योगी बाबा भी इस योगी को मानते हैं अपना ही रूप। सर से पैर तक भगवा कपड़े, सर पर भगवा गमछा और जुबान पर श्री राम का नाम। कौन है राजस्थान का ये भगवाधारी सांसद जिसके एक बुलावे पर योगी खुद पहुंचे राजस्थान? पहले यूपी के योगी ने जलवा दिखाया, अब आप राजस्थान की योगी का एक्शन देखिए। योगी बाबा तो सिर्फ मिट्टी में मिलाते ही, राजस्थान का ये योगी मिट्टी को भी खाक कर देता है। बात हिंदुओं की आती है तो ये योगी किसी की नहीं सुनता। सर से लेकर पैर तक भगवा कपड़ों में लिपटा ये सांसद योगी बाबा का दूसरा अवतार है, इसीलिए खुद योगी बाबा भी राजस्थान में इस योगी को अपना ही अंश मानते हैं। राजस्थान के इस योगी की चाल ढाल और तेवर सब योगी बाबा से हूबहू मैच करते हैं। इसीलिए जब योगी बाबा को राजस्थान के इस योगी ने बुलावा भेजा तो योगी बाबा बगैर देरी किए एक फोन पर तुरंत राजस्थान रवाना हो गए। लेकिन जब ये दो योगी एक साथ मैदान में आए तो पूरे विपक्ष के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि अभी तक एक योगी ने पूरे देश में बवाल मचा रखा था। अब ये दो योगी मिलकर एक साथ क्या प्लान कर रहे हैं, ये सोच सोच कर राहुल गांधी से लेकर अखिलेश तक सबकी हवा टाइट हो चुकी है। राजस्थान की योगी ने अचानक से योगी बाबा को फोन करके राजस्थान क्यों बुलाया और योगी बाबा अपने इस अवतार के साथ मिलकर क्या बड़ा कारनामा करने वाले हैं, इसकी सारी जानकारी आपको इस रिपोर्ट में आगे देंगे। लेकिन इससे पहले राजस्थान का योगी कौन है और इसका नाम सुनकर ओवैसी से लेकर मुल्ला मौलवियों तक के पसीने क्यों छूट जाते हैं, इस बारे में जान लीजिए। जिस तरह यूपी की योगी से माफियाओं के पसीने छूटने लगते हैं, ठीक उसी तरह राजस्थान के इस योगी का नाम सुनकर पाकिस्तान में बैठे मुल्ला मौलानाओं के पैर कांपने लगते हैं। राजस्थान के इस योगी का नाम बाबा बालकनाथ है, जो अलवर से भाजपा के सांसद हैं, मस्तनाथ मठ के आठवें महंत भी हैं। बाबा बालकनाथ योगी की तरह भगवा कपड़े पहनते हैं और योगी की तरह ही ताबड़तोड़ एक्शन लेते हैं, जिसके चलते राजस्थान की जनता उन्हें राजस्थान का योगी कहकर बुलाती है। बात जब देश हित और धर्म पर आती है तो बाबा बालकनाथ विरोधियों को ठिकाने लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। इसीलिए जब बाबा बालकनाथ ने देश हित में एक बड़े काम के लिए योगी बाबा को फोन मिलाया और अपने एक बड़े प्लान की जानकारी योगी बाबा को दी तो योगी बाबा तुरंत अलवर के लिए रवाना हो गए। दरअसल भाजपा ने बाबा बालकनाथ को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और राजस्थान चुनाव में उन्हें तिजारा विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है, जिसे देखकर लग रहा है कि भाजपा इस बार बाबा बालकनाथ को राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपने वाली है। इसीलिए जब योगी बाबा को बाबा बालकनाथ को मिली इस जिम्मेदारी के बारे में बताया गया तो बाबा बालकनाथ का नामांकन दर्ज कराने के लिए योगी बाबा खुद अलवर पहुंच गए। लेकिन जब ये दो योगी एक साथ कैमरे में कैद हुए तो सारे विरोधी हक्के बक्के रह गए, क्योंकि विपक्ष अभी तक एक योगी को नहीं संभाल पा रहा था और अब ये दूसरा योगी भी मैदान में आ गया है। अब राहुल गांधी से लेकर ओवैसी तक सबको ये चिंता सता रही है कि अगर एक और भगवाधारी योगी मुख्यमंत्री की गद्दी तक पहुंच गया तो फिर पूरे देश को भगवा होने से कोई नहीं रोक पाएगा। राजस्थान का ये योगी योगी बाबा के साथ मिलकर पूरे देश को भगवा कर पाएगा या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन अगर आप भी ऐसा होते हुए देखना चाहते हैं तो जय श्री राम का नारा लगा दीजिए। और राजस्थान के इस योगी को लेकर आपकी क्या राय है, इस बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट